कैसे निकाला जाए, तो इस तरह से हमारे
मध्य स्कूल के डायरेक्टर श्री मनीष जलाल सर से मिलवा रहे हैं। मनीष जलाल सर से मेरा एक सवाल है कि सर, माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल के भरोसे छोड़ देते हैं, 6 घंटे स्कूल के भरोसे छोड़ देते हैं, तो क्या स्कूल में उनके बच्चे सेफ है? जैसे कि गेट पे इन होने के साथ ही हमारा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इस कैंपस के अंदर कम से कम हमारे 50 कैमरे लगे हुए हैं, जो कि हर फ्लोर पे लगे हुए हैं। हर क्लास में 2 टीचर रहती हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए, उसके साथ आया भी रहती हैं। टीचर अगर जब पढ़ाती हैं तो गेट के बाहर में आया की ड्यूटी रहती है, वो बच्चों पर पूरा ख्याल रखती है। और सीनियर बच्चों के लिए जो है, हमारे जो सेक्शनल इंचार्ज हैं, सबको काम बटा हुआ है। हमारे यहाँ बच्चों का क्लास रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, क्लास मॉनिटर होते हैं, उनका भी दायित्व है कि हमको बच्चों को कैसे ध्यान रखना है। अब मेरा ऑनरेबल सेक्रेटरी से सवाल है कि इस स्कूल में कितने गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती है और इस स्कूल को बनाने का मेन विजन क्या है? स्कूल में करीब 350 बच्चों को हम लोग फुल फ्री और हाफ फ्री देते हैं, और करीब 10 बच्चों का हम लोग टोटल एजुकेशन का खर्चा बयान करते हैं। उसमें उसके यूनिफॉर्म हुआ, किताबें हुआ, सब कुछ A to Z एक्सपेंस स्कूल बेयर करते हैं। अच्छा, यहाँ तक विजन का सवाल है, हमारी स्कूल आज इंडिया की किसी भी स्कूल के कंपेरेबल हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्लासरूम हुआ, बिल्डिंग हुआ, साइंस लैब हुआ, कंप्यूटर लैब हुआ, ये सब हमारे किसी भी अच्छी स्कूल से आप कंपेयर कर सकते हैं। अब हम आपको बालमंदी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रेसिडेंट श्री रामोत्तर जलाल सर और उनके और बालमंदी स्कूल के सेक्रेटरी श्री नवल किशोर अग्रवाल जी के पास लेके जा रहे हैं। 43 years back, समाज के वरिष्ठ हमारे जरूर थे, हंसराज जी बागेचा, नौकर चेरवा, चांदनी जी सावली, हनुमानगढ़ शिजाराम, इन लोगों ने सोचा कि शिक्षा का स्तर किशनगंज में बहुत सही नहीं है, अच्छा नहीं है, और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करने की जरूरत है। उन लोग के प्रयास से एक कमरे से और एक टीचर, राजा राम उनके टीचर थे पहले टीचर, और एक टीचर हम लोग लाए थे उनको, और उस टीचर से एक स्कूल से एक कमरे से शुरू हुई थी। ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पैसा किसी के पास नहीं जाता है, जो पैसा इसमें आमदनी होती है वो इसी में खर्चा होता है। अब हम आपको लेके चल रहे हैं हमारे बालमंदिर स्कूल के प्रिंसिपल के पास, मिस्टर चंचल गिरी सर। द स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1973 ऑन 15th ऑफ ऑगस्ट। सोल मोटिव ऑफ दिस पीपल एंड बिकॉज किशनगंज लाइज इन अ वेरी रिमोट एरिया and the literacy rate is too low here. It is so said that only 18% literacy rate is there in Kishanganj. Today, almost 43 years have gone by, and you can see we are having multi-storied buildings on all 4 sides of the campus. We have a very lavish auditorium. I think this is one of the best auditorium here in this entire district of Kishanganj. We have nearly about 3,000 students on our roll. We have educoms regarding our teaching aids. We have collaborated with educom solutions, the leading brand in smart class. जी बोल भैया,